तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम आपसे बात करेंगे कि आप 500 रुपीज़ में कौन से ऐसे गैजेट्स लें जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आए और आपको चुभे भी नहीं। तो पिछली वीडियो कैसी लगी थी कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं गैजेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे और वो आपको चुभने भी नहीं वाले। कीमत है सिर्फ 500 रुपये, बस ज़्यादा कीमत है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो प्राइस में कम है लेकिन उनके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको शायद ना पता हो लेकिन मुझे तो पता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं गैजेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गवाए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला गैजेट, आप सबने स्प्रे सैनिटाइजर्स तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए होंगे इस कोविड के टाइम में और आपको इन्फेक्शंस का काफ़ी ज़्यादा डर भी है। बेशक आपने कोविड वैक्सीन लगवा ली है, कोविड के दौर में वैक्सीन लगाना तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, शायद से आपने नहीं लगवाई, जाके लगवा लो भाई। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको सैनिटाइजर्स हर जगह कैरी करने हैं भाई, वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके ऑफिस में कैबिन है या फिर अपने घर पर आप एक होम सैनिटाइजर स्प्रे यूज़ करना चाहते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है मैं मानता हूँ, लेकिन एक इतनी सी बॉटल साइज़ इतना था, लेकिन वो एक मिस स्प्रे का काम करती है। यानी कि अगर आप उसमें सैनिटाइज़र डालेंगे तो सैनिटाइज़र स्प्रे करेगी वेपर की फॉर्म में, अगर आप उसमें कोई सेंट डालते हैं सेंट स्प्रे करेगी, अगर आप वाटर डालते हैं तो वाटर को स्प्रे करेगी। स्प्रे इन द सेंस कि वो असली में ऐसे पिचकारी नहीं मारेगी, वो वेपर्स की फॉर्म में उसको स्प्रे करेगी, यानी कि आपका जो अमाउंट है वो बच जाएगा। यानी कि जो भी आप चीज़ उसमें डालेंगे वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी, यानी कि एक धुएं के फॉर्म में। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है, आप इससे अपने फ़ोन को, कीज़ को और अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर सकते हैं बिना ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ किए, और ये आपके ऑफिस में डेकोरेटिव भी लगेगी और आपके घर पर भी। तो कैसा लगा आपको ये गैजेट मुझे नीचे ज़रूर बताना। और अगर आप गैजेट को ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और खरीद लीजिए। तो अगला गैजेट है हमारा वॉलेट निंजा। नहीं भाई, पिछली वीडियो में बता दी था, लेकिन उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट भी है, बताओ कैसे। अगर आप वॉलेट निंजा नहीं ले पाए भाई, कोई बात नहीं, स्टॉक आउट था, लेकिन अगर आप अपनी दिन भर की छोटी मोटी चीज़ों को घर पर रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए टूल किट बनी है। ये टूल किट की कीमत कितनी है? 1000, 2000, 1500? नहीं, बिल्कुल नहीं, 500 भाई। 500 में आप इस टूल किट को हर जगह कैरी कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने साथ बॉक्स में ही रखना है, बैग में रखना है भाई, ये इतना साइज़ है टूल किट का, इतने साइज़ में आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। अपनी पॉकेट में डालना है, पॉकेट में डाल लो। और ये टूल किट आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, जैसे कि आप अपने आई लेंसेज के फ्रेम्स ठीक कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को खोल सकते हैं घर बैठे, और अपने फ़ोन को तो खासकर बिल्कुल खोल सकते हैं भाई। अपना चलता चलाना फ़ोन मत खोलना, क्योंकि असेंबल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और ये जो है बेसिकली एक मिनी स्क्रू ड्राइवर किट है, और हर चीज़ का एक्सटेंशन है इसमें। छोटे छोटे स्क्रूज जो हैं वो आप लिटरली इससे आसानी से निकाल पाओगे। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्या लग रहा है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस। क्या ये डेकोरेटिव पीस है? नहीं भाई, आप टेक के चैनल पे आए हो तो ये कोई टेक का ही सामान होगा। आगे वीडियो देखे बिना बताइए ये क्या है कमेंट बॉक्स में। नथिंग दोस्तों, ये एक लैपटॉप स्टैंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्ट है, और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं कैरी करता, और ये डेकोरेटिव तो काफ़ी ज़्यादा है, और ये हाइट एडजस्टेबल है, यानी कि आप कितनी हाइट पे अपने लैपटॉप को रखना चाहते हैं वो भी आप इससे डिसाइड कर पाओगे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा लुक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये 500 रुपये में आता है भाई। पिछली वीडियो में किसी वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि ये लैपटॉप स्टैंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैपटॉप्स के लिए और कीबोर्ड्स के लिए। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राइस बता दूँ? हाँ बता देता हूँ। तो इसकी कीमत है 499 दोस्तों, 499, 500 रुपये में इतना अच्छा स्टैंड, और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है और स्पेस तो बिल्कुल कैरी नहीं करेगा। और अगर आप इसको उठा के कहीं रखना भी चाहते हो तो ये टूटेगा भी नहीं, क्योंकि ये मजबूत लकड़ी का बना है भाई, प्लास्टिक नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, जब आप ऐसे लैपटॉप रखते हो इन लैपटॉप स्टैंड्स पे, तो आपको कीबोर्ड पे एक एंगल मिल जाता है जिसकी वजह से टाइपिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और कीज़ नॉर्मल विजिबिलिटी से काफ़ी अच्छे से दिखने लगती हैं, और चलाना तो उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। आपको ये पीस पोर्टेबल चाहिए तो आप इसको मज़े से अपने उठा के अपने ड्रॉअर में भी रख सकते हो भाई, जगह तो बिल्कुल नहीं लेगा ये।
मजे से ड्रॉअर में रखो भाई, टेंशन वाली बात नहीं। और ये इसकी कीमत शायद सिर्फ 449 से 499 ₹500 में। कैसा लगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके खरीद लो। ओ भाई बाद में करता हूँ ना, फोन बैटरी डेड है अभी और लाइट भी बंद है। ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं? फोन को इन्वर्टर पे चार्ज करते होंगे। जिनके घर पर इन्वर्टर भी नहीं है वो क्या करेंगे? भाई एक चीज़ आपको बता दूँ यहाँ, इन्वर्टर पे फोन हर टाइम चार्ज करना बिल्कुल ठीक नहीं रहता। एसी सप्लाई जो है हमारे अडाप्टर से हमारे फोन के अंदर आती है डीसी कन्वर्ट होके, लेकिन इन्वर्टर जो है वो खुद डीसी सप्लाई है। अडाप्टर लगाने की फिर क्या जरूरत? चीज़ और बता दूँ, इन्वर्टर पे फोन लगाने पे आपका फोन स्लो चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो एसी सप्लाई नहीं है। इस टाइम पावर बैंक इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आप में से कितने लोगों को ट्रैवल करने का शौक होगा? भाई ट्रैवल करते टाइम आपका फोन, आपका वॉलेट और आपका चार्जर आप हर जगह कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चार्जर कहीं भूल जाते हो उस कंडीशन में क्या करोगे? लेकिन उसके लिए भी एक उपाय है, आपको चाहिए पावर बैंक। हाँ भाई, पावर बैंक आप एक ऐसी चीज़ है जो आप हर जगह कैरी कर सकते हो और मज़े से, और उसको बस एक बार चार्ज करो और जहाँ मर्जी ले जाओ। लेकिन ₹500 में कौन सी कंपनी पावर बैंक बनाती है? बनाती है भाई, आप उससे शायद रूबरू नहीं हुए लेकिन मैं कराऊंगा आपको। वो है एक पावर बैंक सिस्का की तरफ से। नॉर्मली कंपनी जो है वो पावर बैंक के साथ एक USB केबल देती है मोबाइल चार्ज करने के लिए और एक गारंटी कार्ड। लेकिन एम्बरेन का पावर बैंक 600-700 का आता है, और अगर आपने 10,000 mAh के लिया तो वो 1,000 से 1,500 के बीच में चले जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को एक बार चार्ज करके दूसरी बार दोबारा चार्ज करना है, भाई लाइट भी चाहिए पावर बैंक में, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगी, वो भी ₹500 में। और ये सिस्का का एक सबसे कम्पैक्ट और सबसे ट्रस्टवर्दी पावर बैंक है। भाई सिस्का ब्रांड तो आप सबको पता होगा, लेकिन ₹500 में ऐसी चीज़ मिलना भाई कमाल ही है। लेकिन अगर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ तो इसमें आपको 6 months की वारंटी भी मिलती है भाई, रिप्लेसेबल वारंटी। अगर आपका 6 months के बीच में ख़राब भी हो गया तो वापस कंपनी को दे दो, कंपनी आपको नया पीस दे देगी। रिप्लेसेबल वारंटी है, टेंशन किस बात की। और ये विलेजेस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है भाई, कई बार लाइट भी चले जाती है तो इस समय में टॉर्च हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है, बस पावर बैंक को इजीली ऑन कर लो और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ऐसा लगा? अच्छा लगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके खरीद लो। भाई इतनी सारी शॉपिंग कर ली, अब इसके लिए केस तो चाहिए भाई, उसका भी जुगाड़ है। देखो ₹500 में एक अच्छा सा केस आपको मिल जाएगा जो कि वाटरप्रूफ भी है दोस्तों। वाटरप्रूफ के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, और अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और आप छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को संभालना चाहते हैं तो ये बैग आप ही के लिए बना है। ऐसा लगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके खरीद लो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों आप अपने फ़ोन्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो ना, लैपटॉप्स भी होंगे घर पे, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स भी होंगे और कितनी सारी चीज़ें होंगी भाई, फ़ोन तो सबके घर में है। अब ऐसे में आपके फ़ोन पर अगर कुछ गिर जाए तो, लैपटॉप पर कुछ गिर जाए तो, कीबोर्ड पर कुछ गिर गया तो क्या करोगे भाई? लिटरली एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब आप लैपटॉप्स या कीबोर्ड्स यूज़ करते हो दिन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो और उसके अंदर डस्ट चली जाती है, डस्ट की वजह से कीबोर्ड ख़राब तो होगा ही होगा, और अगर वो कीबोर्ड आपके लैपटॉप का है तो भाई नुकसान ×100, लैपटॉप गया। हाँ बोलोगे 150 का कीबोर्ड अच्छा सा मिल जाता है, भाई अच्छा सा कीबोर्ड कोई नहीं मिलता 150 में, 500 के ऊपर ही मिलेगा अच्छा सा, और वो भी ब्लूटूथ लेना है तो ले लो भैया 1200 का कॉम्बो। तो इन सब चीज़ों का जुगाड़ है एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है, यानी कि आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा करता है ये, लेकिन पावर भी इतनी ज़्यादा है। और इसके साथ आपको एक ब्रश की एक्सटेंशन मिलती है, यानी कि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और वो आसानी से हवा से नहीं जाती, तो ब्रश भी उसके साथ है। ब्रश से आप मज़े से साफ करो, वैक्यूम क्लीनर से मिट्टी निकाल दो और बस काम ख़त्म। तो कैसे लगे आप सबको ये प्रोडक्ट्स? और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्स इनसाइड अ मोबाइल, यानी कि मोबाइल के अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जानेंगे कैसे? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। बाय बाय।